हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है स्टेटमेंट रीड करेंगे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है काफ़ी सारे पार्ट हमने प्रूव करने हैं बट बहुत ईजीली हम इनको समझ सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी हैं देखो ध्यान से इन ट्रेंगल ए एक ट्रेंगल है ए एंड ट्रेंगल डी ई एफ दूसरी ट्रेंगल है डी ई एफ इसके अंदर ए बी इक्वल टू डी ई गिवन है जो ए बी है वो डी ई के इक्वल है AB पैरेलल टू DE है जो AB साइड है वो DE के पैरेलल भी है BC पैरेलल टू EF जो हमारी BC है वो EF के पैरेलल और इक्वल गिवन है वर्टिसेस AB एंड C आर जॉइंट टू वर्टिसेस DEF जो ABC के है, वर्टिसेस e, हैं वो DEF से जॉइंड हैं बाय डोटेड लाइन तो शो दैट क्वाड्रलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव करना है कि जो ए बी डी है वो एक पैरेललोग्राम है फर्स्ट पार्ट में तो ये प्रूव करना है नेक्स्ट पार्ट उसके बाद देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है काफी ज्यादा पार्ट करने हैं तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट लिखूंगा थोड़ा सा ध्यान से समझना तो गिवन के अंदर हमें क्या है सबसे पहले ए बी इक्वल टू डी ई गिवन है और ए बी पैरेलल टू डी ई गिवन है उसके बाद जो बी सी साइड है वो ई एफ के इक्वल गिवन है बी सी पैरल टू ई एफ है यह चीज हमें गिवन है उसके बाद टू प्रू टू प्रू के अंदर क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर ए बी e, को मैंने ग्राम प्रूव करना है तो यहां पे क्या लिखेंगे ए बी ईडी इज पैरलोग्राम ये प्रूव करना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरल टू डी ई यह चीज हमें गीवन है ए बी ई डी ए बी ई डी के अंदर जो ए बी है वो डी ई e के इक्वल और पैरल हमें गीवन है अब देखो अपोजिट साइड हमारी क्या होगी इक्वल एंड पैरल आ गई ठीक है तो ए बी ई डी क्या हो जाएगी एक पैरलोग्राम तो यहां पे क्या लिख देंगे सो ए बी ई डी इज पैरलोग्राम रीजन भी साथ में लिख देंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरल तो इस रीजन से हम क्या लिख सकते हैं एबीईडी e, क्या है हमारी एक पैरलोग्राम है आई होप आपको समझ में आ गया बिल्कुल इजी कंसेप्ट था गिवन था हमें उसी का यूटिलाइजेशन यहां पे कर लिया सेकेंड पार्ट पे चलते हैं सेकेंड के अंदर हमने क्या प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल बीई एफ सी इज ए पैरलोग्राम बी ई एफ सी इसको हमने पैरलोग्राम प्रूव करना है तो यहां पे क्या लिखते हैं बी ई एफ सी इज पैरलोग्राम ये प्रूव करना है अब जो सेकेंड चीज गिवन है उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे तो यहां पे क्या है बीसी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी जो है पैरल टू ई एफ है साथ में क्या लिख देंगे given. अब देखो जो है है के और तो opposite sides क्या होगी pair of opposite sides, equal और parallel, तो क्या हो गया हमारा BEFC एफ सी इज ए पैरलोग्राम तो यहां पर क्या लिख देंगे सो so, BEFC एफ सी इज पैरलो रीजन भी सेम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड पार्ट भी नेक्स्ट बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की थर्ड पार्ट के अंदर क्या प्रूव करना है एडी पैरेलल टू सी एफ जो हमारी एडी है वो हमें सी एफ के पैरेलल प्रूव करनी है और AD इक्वल टू सी एफ और ए डी सी एफ के इक्वल भी प्रूव करनी है तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या लिखना है टू प्रू के अंदर आ जाएगा ये AD पैरल टू सी एफ और AD इक्वल टू सी एफ प्रूव करना है यहां पे देखो सबसे पहले बीई इक्वल टू सी एफ था एंड बी ई इक्वल टू बी ई पैरल टू सी एफ गीवन था हमें बी ई सी एफ के इक्वल एंड पैरल हमें गीवन था उसके बाद देखते हैं ए डी इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू किसके हैं हमारा बीई के ठीक है एंड ए डी पैरल टू बीई ए डी इक्वल टू बीई एंड ए डी पैरल टू बी ई रीजन क्या है ए बीई डी इज पैरलोग्राम ठीक है अब देखो यहां पर बीई इक्वल टू सी एफ जो बीई है वो सी एफ के इक्वल है और ए डी इक्वल टू बीई के इक्वल है तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगी हमारी इक्वल तो यहां पे क्या लिख देंगे सो so, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एफ के एंड ए डी पैरल भी हो जाएगा सी एफ के ध्यान से समझो क्या है बी ई इक्वल टू सी एफ था जो BE है वो सी एफ के पैरल भी था इक्वल भी था और हमारा ए डी इसके इक्वल और पैरल है तो ये साइड इसके भी तो इक्वल और पैरल होगी जैसे ए इक्वल टू बी हो इक्वल टू सी हो तो बी इक्वल टू सी भी तो होता है ऐसे ही किया मैंने साइड इसके पैरेलल गिवन है और ये इसके भी पैरेलल गिवन है तो यह जो सी एफ है वो एडी के भी तो पैरेलल होगी तो इससे ही क्या कर दिया मैंने प्रूव समझ में आ गया फोर्थ फोर्थ पार्ट पार्ट देखते हैं Fourth part के अंदर क्या करना ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम तो पहले ए सी एफ डी देखते हैं कहां है ए सी एफ डी इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है अभी अभी मैंने थर्ड पार्ट में प्रूव किया था इनको इसी का यूटिलाइजेशन कर लेंगे यहां पे तो ए डी इक्वल टू सी एफ एंड ए डी पैरल टू सी एफ ये प्रूवड है सो ए सी एफ डी इज पैरलोग्राम रीजन भी लिख देंगे यहां पे सेम यही रीजन आ जाएगा हमारा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड parallel. तो ए सी ए सी एफ डी हमारी क्या आ गई पैरेललोग्राम समझ में आ गई आपको नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की फिफ्थ पार्ट के अंदर हमने क्या प्रूव करना है ए सी इक्वल टू डी एफ जो ए सी है हमारी डी एफ के इक्वल प्रूव करनी है अब देखो अभी अभी मैंने ए सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूव किया था तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी तो यहां पे क्या लिख देंगे ए सी एफ डी इज पैरलोग्राम सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन्हीं चीजों का चीजों का यूटिलाइजेशन करते हुए हम इनको प्रूव कर देंगे होगी यहां पे ए सी इक्वल टू डी एफ भी होगी हैंड्स प्रूव्ड लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका सिक्स पार्ट ट्रेंगल ए बी सी प्रूव करना है ट्रेंगल डी ई एफ के जो ए बी सी है डीई एफ e, के हमने क्या करना है कॉन्ग्रेंट प्रूव तो इसको कैसे करेंगे सबसे पहले देखो ए बी इक्वल टू ई जो ए बी है वो ई e के इक्वल गिवन है हमें उसके बाद जो बी सी है वो ई एफ के इक्वल है जो बी सी है वो ई एफ के ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर गिवन था हमारा जो भी स्टेटमेंट थी उसमें देखेंगे ध्यान से उसके बाद जो ए सी है वो डी एफ के AC जो है डी एफ के क्योंकि अभी अभी पेलोग्राम प्रूव किया था ये प्रूव किया है हमने फिफ्थ पार्ट में तो इसको लिख देंगे प्रूव, तो तीन साइड्स हमारी इक्वल होगी तो तीन साइड्स इक्वल होगी तो क्या लिख देंगे सो so, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी हमारी ट्रेंगल डी ई एफ के हैंड प्रूव और किससे हो जाएगी बाय तीनों साइड्स हैं तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट अगर लगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं अदरवाइज आपको छोटा सा कंसेप्ट है आपने ये ध्यान रखना है कि पैरलोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन करना है यहाँ पे और हमने क्या कर देना है अपने रिजल्ट्स को प्रूव कर लेना है कोई भी डाउट लगे तो कमेंट कीजिए अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक्स